संयोग कहिए या प्रयोग पर पीएम की कुर्सी भी योगी आदित्यनाथ का इंतजार कर रही है। आंकड़े करने वाले हैं कमाल। पीएम मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया, पर बैठेंगे योगी, संविधान ही बनाएगा योगी के लिए रास्ता। संसद में 888 सीट क्यों बनाई गई? मोदी का क्या है प्लान? गणित समझकर विपक्ष भी चकरा जाएगा। अगर आपको भी लगता है 888 सीटों वाली नई संसद इसलिए बनाई गई क्योंकि आने वाले दिनों में सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, तो आप भी पूरी तरह गलत है। ये एक ऐसा मास्टर प्लान है जिससे भारत की सियासत हमेशा के लिए बदल जाएगी। इस 888 के योग में योगी का एक बड़ा फायदा होने जा रहा है। बात थोड़ी मुश्किल है, इसलिए आप मुझे 2 मिनट दीजिए और पूरी कहानी समझिए। बीजेपी कर्नाटक हार गई, अब बीजेपी के पास कोई भी दक्षिण राज्य नहीं है। यानी अगर दक्षिण राज्यों की संख्या लोकसभा में ज्यादा हो जाए तो मोदी भी आसानी से चुनाव हार जाएंगे। अब यहां से शुरू होता है बीजेपी के भविष्य का प्लान। 1976 में इंदिरा गांधी ने एक बड़ा कदम उठाया, लोकसभा सीटों का परिसीमन हुआ। उस वक्त 1971 की जनगणना को आधार मानकर भारत में लोकसभा की सीटें 1976 में बढ़ा दी गई। उस वक्त देश की आबादी 54 करोड़ थी। 10 लाख जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीट का फॉर्मूला अपनाया गया और 543 सीटें तय की गई। भारत की आबादी 121 करोड़ है, तो अगला परिसीमन जब होगा तो लोकसभा सांसदों की संख्या अनुमानित 1210 होनी चाहिए, लेकिन 888 सांसदों की संख्या पक्की मानी जा रही है। क्या इसी रणनीति के हिसाब से पीएम मोदी ने नई संसद की शुरुआत कर डाली है? जैसे यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, पर 2026 के बाद 147 सीटें हो सकती हैं। यूपी में योगी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जैसा होगा। महाराष्ट्र में 48 की जगह 82 सीटें होंगी, बिहार में 40 की जगह 76 हो जाएंगी, पश्चिम बंगाल में 42 की जगह 67 सीटें हो जाएंगी। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है, जहां अभी 25 लोकसभा सीटें, पर परिसीमन के बाद 20 ज्यादा सीट नहीं बढ़ने वाली है और वहां पर 37 सीटें ही होंगी। तेलंगाना में भी 17 सीटें जो परिसीमन के बाद 25 हो जाएंगी। यानी दक्षिण भारत में जो सीटें बढ़ेंगी उनकी संख्या बहुत कम होने वाली है। यानी दक्षिणी राज्यों की सीटें परिसीमन के बाद भी ज्यादा नहीं बढ़ती दिखी, जबकि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सीटें लगभग 2 गुनी हो जाएंगी। और ये वही राज्य हैं जहां से योगी को लगभग हर सीट पर जीत मिल सकती है, और यहां योगी या मोदी को हराना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हिंदी राज्यों में योगी का प्रभाव ज्यादा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक दक्षिण भारत के राज्यों की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 12.1 है, जबकि हिंदी भाषी राज्यों की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21.6, यानी हिंदी भाषी राज्यों के मुकाबले करीब 9.5% कम है। इसीलिए दक्षिण के राज्यों को लगता है कि प्रति 10 लाख आबादी वाला फॉर्मूला अपनाया गया तो लोकसभा में उनकी मौजूदगी उत्तर भारत के राज्यों के मुकाबले घट जाएगी। यही दिमाग नरेंद्र मोदी ने लगाया, जो संयोग से योगी के काम आने वाला है। 2019 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में 1000 सीटें करने की मांग की थी। रविवार को नई संसद के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने भी ये कहा कि आने वाले समय में लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश सिंह और बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भी परिसीमन का जिक्र किया। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 2026 में परिसीमन किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर योगी आदित्यनाथ को कोई भी पीएम बनने से नहीं रोक पाएगा। आप बताइए, अगर पीएम बनाने का कंट्रोल यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की जनता को मिल जाए तो मोदी के बाद अगला पीएम कौन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।